वेलकम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? दोस्तों दोस्तों, आज हम अपने इस प्रेजेंटेशन में 25 और 26 तारीख का सारा करंट अफेयर कवर करेंगे। साथ ही हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एससीओ नेशन और इम्पोर्टेंट डेट्स। तो हम शुरू करते हैं दोस्तों आज का हमारा प्रेजेंटेशन। सबसे पहले हम देख लेते हैं एससीओ नेशन यानी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। 2001 में इसका फॉर्मेशन हुआ था शंघाई पैक्ट के तहत। ये एक पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सिक्योरिटी अलायंस है। हेडक्वार्टर इसका बीजिंग चाइना में है। इसकी जो परमानेंट मेंबर है वो है चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इंडिया और पाकिस्तान। 8 इसके मेंबर स्टेट है मेन, 4 ऑब्जर्वर स्टेट है, 6 डायलॉग पार्टनर है, 4 गेस्ट अटेंडीज हैं। ऑफिशियल लैंग्वेज चाइना और रशिया है। और यहाँ के सेक्रेटरी जनरल है वो है व्लादिमीर नोरवो, जो कि उज्बेकिस्तान के हैं। आज की जो हमारी कंट्री दोस्तों एससीओ की, वो है पाकिस्तान। आप जानते हैं कैपिटल इस्लामाबाद, करेंसी यहाँ की रुपी, पीएम जो है यहाँ के इमरान खान हैं और प्रेसिडेंट जो है आरिफ अलवी हैं। तो इमरान खान की ही कैप्टनशिप में 1992 में पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप जीता था। ये उनका एकलौता वर्ल्ड कप है जो उन्होंने जीता था। चलिए अब देख लेते हैं दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे पहले सिक्किम के चीफ मिनिस्टर कौन है? आप पॉज करिए वीडियो और मुझे जवाब दीजिए। चलिए मैं जवाब देता हूं, प्रेम सिंह तमांग। ये जो है ये सिक्किम के चीफ मिनिस्टर हैं। अभी दोस्तों नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स है जिसने उड़ीसा और वेस्ट बंगाल में काम करा है आपदा प्रबंधन का, तो उसके डायरेक्टर जनरल कौन है? उसके डायरेक्टर जनरल हैं S.N. प्रधान जी। अगला क्वेश्चन है, नेशनल डिजास्टर रिलीफ फोर्स रिस्पॉन्स फोर्स कब बनी थी, कब ये एस्टेब्लिश हुई थी? वीडियो पॉज करिए और बताइए इसका जवाब कमेंट करके। चलिए मैं बताता हूं इसका जवाब आपको, यह है 2006 में। चलिए अब देख लेते हैं दोस्तों आज का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। दोस्तों आज के दिन ही, दोस्तों आज ही के दिन दोपहर सुबह खबर आई है कि 3 टाइम के ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट बलबीर सिंह जी सीनियर, उनका निधन हो गया है। बहुत ही अच्छा करियर रहा था दोस्तों। 1948, 1952 और 1956 में 3 टाइम के ओलंपिक प्लेयर रहे हैं। 52 में तो वाइस कैप्टन थे और 56 में वो मेलबर्न में इंडिया टीम में कैप्टन भी थे। पद्मश्री सम्मानित हो चुके हैं 1957 में। मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड उन्हें मिला है 2014 में। और एक आइकॉनिक ओलंपियन करके एक 16 एथलेटिक चूज करे गए थे, उसमें एशियन में जो एशियन से एक ही प्लेयर थे वो थे बलबीर सिंह सीनियर जी। ये इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने सिलेक्ट करा था। मॉडर्न हिस्ट्री के आइकॉनिक ओलंपियन 16 एथलीट्स में से एक थे बलबीर सिंह सीनियर। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। रेलवे ने एक रेल मिल्क टैंक करके एक टैंक बनाया है जो कि 44,660 लीटर्स ऑफ मिल्क को स्टोर कर सकता है। और ये पहले वैन से 12, जो पहले इनका मिल्क टैंक था उसे 12% ज्यादा बड़ा है। ये जो टैंक है, ये टैंक जो है ये 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकता है। और स्पेशल स्टेनलेस स्टील का कंटेनर है इंटीरियर साइड से। और ये सेफ्टी से और इकोनॉमिकली जो है मिल्क का ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए सक्षम है। तो ये रेल मिल्क टैंक है। आगे चलते हैं। जो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन है उसने डिसाइड करा है कि उड़ान स्कीम के तहत भी अब जो है ये फ्लाइट्स को चलाया जाए। उड़ान दोस्तों एमओसीए की एक स्कीम है, उसका मतलब है उड़े देश का हर आम इंसान, आम नागरिक। और ये अफोर्डेबल फ्लाइंग के लिए है, इसमें रेट्स काफी सस्ते होते हैं। और ये अंडर रिजर्व एयरपोर्ट्स में भी इसके तहत जो है उड़ानें भरी जाती हैं। तो ये है एमओसीए की उड़ान स्कीम, उड़े देश का आम नागरिक।
नेक्स्ट है, यूपी में दोस्तों माइग्रेशन कमीशन की स्थापना करी गई है। इसका काम है कि ये वर्कर्स को, जो कि अभी माइग्रेंट वर्कर्स हैं जो कि लॉकडाउन फेज में स्टेट वापस आए हैं, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करना और इनको स्किल प्रोवाइड करना ताकि वो एम्प्लॉयमेंट के लिए अवेलेबल हो सके। तो ये है माइग्रेंट कमीशन एस्टेब्लिश इन उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की बात करें तो चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ है, यहाँ की जो गवर्नर है वो आनंदीबेन पटेल है, लखनऊ यहाँ की कैपिटल है। चलिए अभी आज ही दोस्तों मणिपुर में 5.5 मैग्नीट्यूड रेक्टर स्केल पे का अर्थक्वेक जो मणिपुर में हिट हुआ है, गुवाहाटी और अदर पार्ट्स ऑफ आसाम में भी इसको फील करा गया है। अभी एक रैगनार लॉकर रैंसम वेयर का पता लगाया गया है जो कि काफी इफेक्टिव है, एक इफेक्टिव रैंसम वेयर है दोस्तों ये बेसिकली, और ये इजीली जो है आपकी मशीन्स को, जो है वर्चुअल मशीन को डॉच करने में भी, मतलब जो डिटेक्टिंग मशीन होती है रैंसम वेयर को, उनको भी डॉच कर सकता है आसानी से। इतना स्ट्रांग इसका कोड है, इतना स्ट्रांग इसका मैकेनिज्म है। अभी आपको मैंने पिछले ही वीडियो में, सैटरडे की वीडियो में बताया था, संडे की वीडियो में बताया था कि एक रिडक्टर नाम का ट्रोजन था जो कि यूरोप में काफी मतलब परेशान कर रहा है। तो एक ये रैगनार लॉकर भी जो है, ये भी एक रैंसम वेयर है जो कि काफी परेशानी दे रहा है। बेसिकली रैंसम वेयर क्या होते हैं, एक तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं जो अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करके अपने कंप्यूटर को लॉक कर देते हैं, फिर अपन से फिरौती मांगते हैं या फिर रैंसम मांगते हैं ताकि अपन उनको वो प्रोवाइड करवाएं तो फिर अपना कंप्यूटर वो काम करने के लायक बनाए, वरना अपना कंप्यूटर को लॉक कर दिया जाता है। और जब तक अपन उनको रैंसम नहीं देते हैं, फिरौती नहीं देते, तब तक वो कंप्यूटर चालू नहीं होता है। तो ये रैगनार लॉकर करके जो है, ये भी काफी अभी परेशानी दे रहा है लॉकडाउन के पीरियड में, रैगनार लॉकर। आगे दोस्तों, लद्दाख पुलिस ने लद्दाख पुलिस दोस्तों अभी तक क्या था कि जेएनके पुलिस के नाम से ही चल रहा था, पर जब से यूनियन टेरिटरी लद्दाख में बनी है तब से अब जाके जो है, अब लद्दाख पुलिस भी, जो लद्दाख पुलिस जो है वो लेह और जो कारगिल डिस्ट्रिक्ट की पुलिस को अब लद्दाख पुलिस कहा जाएगा। अब तक वो जेएनके पुलिस ही कहलाई जा रही थी, पर अब जो है वो लद्दाख पुलिस का जो है उनको टैग मिल चुका है, और आप पिक में देख सकते हैं अब लद्दाख पुलिस के नाम से टैग, लोगो, ये सब जो है अब रिलीज हो चुके हैं लद्दाख में। तो ये ऐसे जो आप राइट में देखेंगे, ये जो पिक्स हैं, ऐसे मोनो और फाइन जो है लद्दाख पुलिस के नाम से रिलीज हो चुके हैं। अब ऑफिशियली लद्दाख पुलिस हो गई है, अभी तक वो जेएनके पुलिस थी, अब वो लद्दाख पुलिस कहलाई जाएगी। आगे देखते हैं दोस्तों, अभी इंडिया और चाइना के बीच में करेंसी स्वैप एग्रीमेंट हुआ है 1.1 बिलियन का। अभी दोस्तों इससे पहले 400 मिलियन का करेंसी स्वैप एग्रीमेंट हुआ था, अब फिर से 1.1 बिलियन का जो है करेंसी स्वैप एग्रीमेंट होने वाला है। बेसिकली क्या होता है, 2012 से आरबीआई जो है वो 2 बिलियन तक का जो फॉरेन करेंसी और इंडियन रुपीस में जो करेंसी स्वैप फैसिलिटी देता है सार्क मेंबर्स को, जो साउथ ईस्ट एशियन रीजनल कॉपरेशन है कमिटी जो है उसके मेंबर्स को फैसिलिटी दी जाती है कि या तो फॉरेन करेंसी में या तो इंडियन रुपीस में कितने तक का वो करेंसी स्वैप कर सकता है। तो अभी इंडिया और श्रीलंका में दूसरा एग्रीमेंट है जो हो रहा है इसकी। अभी करंट यहाँ की बात करें श्रीलंका की, तो यहाँ के प्रेसिडेंट जो है वो गोटाबाया राजपक्षे हैं और प्राइम मिनिस्टर जो है महिंदा राजपक्षे हैं। ये दोनों ही भाई हैं बड़े छोटे, और दोनों ही प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर बने हुए हैं। अब दोस्तों इंपॉर्टेंट डेट देख लेते हैं इस दौरान की। 21 मई को दोस्तों नेशनल एंटी टेररिज्म डे था, 22 तारीख को नेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी था, 24 मई को कॉमनवेल्थ डे था, और 31 मई को जो है एंटी टोबैको डे आने वाला है, और इसी बीच दोस्तों शायद 22 तारीख को टर्टल विश्व वर्ल्ड टर्टल डे भी था जिसको हमने डिस्कस कर रहा था उस दिन। तो दोस्तों ये था हमारा आज का प्रेजेंटेशन जिसमें हमने इंपॉर्टेंट डेट्स, एससीओ नेशन में पाकिस्तान, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये हमारा सेशन अच्छा लगा होगा। अगर दोस्तों आपको सेशन अच्छा लगा है, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए।
और कुछ सुझाव हो तो कमेंट जरूर करिए। और आप देखते रहिए दोस्तों क्विक करंट अफेयर चैनल, जहां पे आपको हर करंट अफेयर क्विकली मिलेगा। थैंक यू वेरी मच।